भूलेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप जवाब 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 जवाब, कोई दिक्कत नहीं, बात करेंगे हम लोग ऐसे करेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुष्का ऑफिस जी। और दोस्तों, तो बात करते हैं एक नए वीडियो के, एक नए अंदाज में। थोड़ा हो सकता है आपको आवाज़ आ रही होगी और हो सकता है आपको शोर भी ज़्यादा आ रहा हो, क्योंकि हम अभी सड़क के किनारे खड़े हैं और हमारे पीछे ही है यहाँ पे रांची जंक्शन, ठीक है। तो मैंने पहले जो ट्रैवलिंग का वीडियो बनाया वो यहीं तक किया है, और इसके आगे मैं इस सिटी की जो है क्या कहते हैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मेरा यहाँ पे रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ होटल के लिए, और यहाँ पर ऐसा एरिया है कि आपको होटल वगैरह कहीं नहीं दिख रहे हैं। मैंने इधर भी मैं जाके देखा हूँ, उधर भी जाके देखा हूँ, होटल कहीं नहीं है। अब मेरे को इतना आइडिया नहीं लग रहा कि मेन सिटी है किधर, जाऊँ मैं किस पे भरोसा करूँ, ऑटो वालों पे, रिक्शा वालों पे। गाइस ये लेके जाएगा ऑटो हमको रातू रोड, यहाँ से छोड़ेगा। स्टेशन से रातू रोड करीब 4 किलोमीटर मुश्किल से मुझे लग रहा पड़ा होगा, लेकिन ऑटो वाले ने करीब 50 रुपये मेरे से ले लिया, 50 रुपये ले लिए। थोड़ा सा यहाँ भी लग रहा है मेरे को काफ़ी महंगाई है। जब मैंने पूछा कि भाई किराया तो बड़ा ज़्यादा है इधर भी, तो बोल रहा है आप मोदी जी को बोलिए भैया डीजल और पेट्रोल महंगा करें। तो मैंने कहा भाई CNG से चलता है, तो बोलता है कि यार CNG भी 70 रुपये में हो गया। मतलब कुछ ना कुछ तो उसको बनाना था, वरना 50 रुपये 4 किलोमीटर के हमारे यहाँ तो नहीं लिए जाते। तो भाई इधर से अभी हम लोग आए थे पास में ही लातू चौक, और यहाँ पर ये होटल है, होटल जागृति, इसी के अंदर मुझे रूम मिला है। चलिए रूम को आप लोगों को दिखा देते हैं। तो गाइस ये था रूम मेरा, कुछ ये वाला पंखा लगा था, छोटा सा रूम था भाई, शीशा लगा हुआ है, बेड था सिंगल बेड था, इधर टॉयलेट है अटैच, टीवी रखा था, पानी मिला था, और ये मैं जेवर एक मेरा टाइपोड। तो कुछ छोटा सा रूम है पर ठीक है, रात बिताने के लिए सही था। 2000 years later। तो गाइस आज पूरा दिन घूमे हैं, मस्ती किए हैं और वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो हमने क्रिएट कर लिए हैं, और अभी है शाम का वक्त और हम हैं लातू रोड, जहाँ पर हमने रूम ले रखा था। और घूमते घूमते हम कब वहीं पर आ गए मुझे खुद ही पता नहीं चला। और यहाँ पर ऊपर है एक उदय भोजनालय एंड फास्ट फूड, उदय भोजनालय एंड फास्ट फूड। तो हमें कुछ खाना पीना भी है, और सनाया वगैरह भी ऊपर ही गई हैं, तो सबको खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। चलने क्योंकि पूरे दिन सब ने मेहनत की भाई, हमने वीडियो बनाया तो उन लोगों ने टाइम अपना स्पेंड किया है। चलिए ऊपर है तो चलते हैं, बैक कैमरे को ऑन करते हैं और कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या खाने का मन है सभी का और हम क्या खाते हैं। वीडियो बनाओ तो बगल में ये रोड होने का बड़ा लफड़ा रहता है, तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो वैसे ऊपर हम लोग आ चुके हैं और हम सब बड़े भूखे हैं, क्योंकि पूरा दिन मेरी तो जो बच्ची कुछ एनर्जी थी वो भी सब चली गई बोलने में, क्योंकि हमें वीडियो में बोलना रहता है, पूरा दिन बोलते होते नहीं गए, वो भी एनर्जी चली गई। तो बस जल्दी से आ जाए, बस हम लोग टूट पड़ेंगे उस पर समझो खाने पर। लेकिन एकदम मस्त है ना लोकेशन, बढ़िया है, लोकेशन बढ़िया। आए थे फास्ट फूड खाने, लेकिन पूरा खाने का प्लान हो गया, खाना खा के जाएंगे, शाम ही हो गई अब तो क्या है, जाके आराम ही करना है। तो गाइस यहाँ पे हो गई है शाम, तो हमने सोचा पूरा खाना ही खा लिया जाए, तो फास्ट फूड के चक्कर में नहीं पड़ते। वैसे भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा मुझे उतना पसंद भी नहीं, तो हमने हाफ प्लेट जो है पनीर, मटर पनीर मंगा लिया, जो कि मैं अक्सर खाता हूँ बाहर, और कोई पनीर मेरे को समझ में नहीं आती, वरना पनीर की वैरायटी कई है देख सकते हो आप लोग। और आपने क्या मंगाया है, आपने क्या मंगाया है, पनीर चिली ड्राई ड्राई, और आपने चिकन चाउमीन, कहाँ पे है चिकन, इसका अलग है चिकन चाउमीन। ये भैया आप लोग तो जानते हो हम तो वेजिटेरियन हैं, और जो लोग खाते हैं बड़े शौक से खाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा खाना आ चुका है, सिंपल सादा मटर पनीर, और ये क्या है पनीर, पनीर आगे क्या था, पनीर ड्राई, पनीर ड्राई है, मतलब तो कितने प्रकार से बनती है देखो। लेकिन मेरे को हमेशा हर जगह मटर पनीर ही पसंद आती, क्योंकि शुद्ध देसी एकदम। अचार बड़ा थोड़ा सा दिया, मूली हम खाते नहीं, प्याज हम खा लेंगे, रोटियां यहाँ तवे वाली मिलती हैं, अगर तंदूर वाली मिल जाती तो उसका अलग ही मिल जाता है। इस डिश का नाम बताओ अपने आप, बताओ, मैं भूल गया, चिकन चाउमीन, चिकन के पीस पड़े हुए ना इसमें, चिकन के पीस पड़े हुए हैं, इसको खाना खा लीजिए, बिल्कुल आइए सभी लोग खाइए, इधर तो वेज है दोनों तरफ।
और ले सब लोग जाते हैं। चलिए आइए आराम से। तो इन लोगों को हमने छोड़ दिया है और हम चलेंगे अपने होटल रूम की तरफ। और आज का खाना बहुत ही बेहतर था भाई, दिन में एक बार खाओ और ढंग का मिल जाए ना तो पूरे खाने का मज़ा आ जाता है। दिन भर की भूख वो है एकदम मिट जाती है, जैसे कि मेरी मिट चुकी है। तो सीधा आप चलेंगे होटल में और सीधा पढ़ के लेटेंगे, पहले सोएंगे और कल सुबह आप लोगों को मिलेंगे। मिल गए, गुड मॉर्निंग सभी को। चले Six hours later. चलिए तब ठीक है। ये रिफ्रेंट चीज देते हैं, ये जो दे रहे हैं ना ये हमारे यहाँ सूप ना, ये नहीं देते। चलिए कहाँ पे? अच्छा। पर यहाँ पे एक यूनिक चीज़ है कि सूप भी देते हैं साथ में, मज़ा आ गया। तो गाइस आज मेरा था यहाँ पे लास्ट डे और रात के बज गए हैं, 7 बज गए हैं और 9:15 पे मेरी ट्रेन है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय के लिए। वहाँ से सुबह 9 बजे है लखनऊ के लिए, जो शाम को कल 5 बजे मुझे पहुँचाएगी। बट यहाँ पे मोराबादी ग्राउंड पड़ा हुआ है, स्टेडियम बोलते हैं छोटा सा। तो अभी हम लोग उधर से आए हैं, ये जो बना हुआ है इसी के अंदर एक स्टेज बना हुआ है परमानेंटली, उसी पर खड़े होकर भाषण वगैरह देते हैं। और यहाँ पर कार वगैरह भी लोग सीखते हैं चलाना, क्योंकि यहाँ पे खुला मैदान है और छोटा बड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा मैदान है। लाइटिंग वगैरह भी यहाँ पे है। अच्छा ये लोग सीख रहे हैं ना कार चलाना, ये सीख रहे हैं कार चलाना भाई, सबसे अच्छा है ड्राइविंग का। ले आओ कहीं गिरने मतलब कहीं लटने वटने का कोई भी डर नहीं। और देखो वो स्कूटी सीखने की, ये चला लेती कि नहीं चला लेती? मारो ब्रेक कस के, यहाँ पे बजड़ी है अभी। ये देखो मोदी वगैरह वहाँ पे ही रहते हैं, स्टेज वगैरह परमानेंटली बना ही रहता है। और मेन स्टेडियम इसके पीछे है ना, ये जो बिल्डिंग दिख रही है। अच्छा हाँ वो राउंड राउंड तो दिख रहा है, हाँ है तो ये स्टेडियम ही तो है। तो गाइस अभी मेरा है आखिरी दिन और लास्ट दिन, क्योंकि मैं अभी होटल मेरा पीछे ही इस पे गली में था, यहाँ से बस 100 मीटर दूरी था। और बैग वैग मैं अभी लेके आ चुका हूँ पूरा। तो इन लोगों को भी छोड़ देते हैं, भाई बोल देते हैं काफ़ी अच्छा लगा, ऐसी दो प्यारी बहनें मिल गई यहाँ पे, तो जिन्होंने कल से लगा के आज तक पूरा टाइम अपना दिया, स्पेंड किया मेरे साथ में। काम तो मेरा था पर तब भी उन लोगों ने टाइम दिया, काफ़ी अच्छा लगा, कुछ अपना सा महसूस हुआ यहाँ, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं बाहर हूँ। तो चलिए एक बार उनसे आखिरी विदा लेते हैं, उसके बाद चलते एक बार और धन्यवाद बोलते हैं। उधर से ही जाइए ना, वहाँ से किशोरगंज से। चलिए चलिए बिल्कुल, अभी देख लो ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं कि आप लोग छोड़ के जा रहे हो? दोनों बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा यार। एक बार मेरे भाई जा रहे हो ना, तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहली बार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि खड़े थे, हमने कहा यार कब तक खड़े रहेंगे, कब तक खड़े रहेंगे। तभी तो हमने बोला कि जहाँ घूमना है घूम लो, अभी चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बातें होती रहेंगी बिल्कुल। अब तो सबको साधन है बात करने की, क्या दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इन लोगों ने किया है आप लोग भी करें भाई, क्योंकि यही है। चले निकल जाएगा आराम से निकल जाए, आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भूलेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप जाओ आप जाओ आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बात करेंगे हम लोग, मैसेज करेंगे, बाय बाय, फोन करेंगे, मैसेज करना, ठीक है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे नहीं नहीं ज़्यादा नहीं करना, जाओ आराम से जाओ, आराम से जाओ, आराम से जाओ, मुझे पता है, मुझे पता है, दिक्कत नहीं, जाओ। ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने सनाया और सुषमा को छोड़ा था वहाँ से, उसके बाद मैं स्टेशन आ गया था। और स्टेशन आने के बाद मुझे पता चला कि उनके स्कूटी के डिग्गी में तो मेरा ट्राईपोड रह गया। तो मैंने कहा भैया फ़ोन करते हैं तुरंत, वैसे उन लोगों ने तुरंत फ़ोन किया था, लेकिन मैंने फ़्लाइट मोड लगा रखा था फ़ोन में, तो फ़ोन आया नहीं। यहाँ आके जब मैंने ऑन किया तो देखा कि काफ़ी सारी कॉल आ गई, मुझे भी याद आ गया था, कॉल बैक किया, पता चला। तो स्टेशन आने के लिए बोला, फिर हमने सोचा स्टेशन क्यों बुलाते हैं, काफ़ी दूर है, हम ही ऑटो से निकल जाते हैं। मेरे पास भी 1 घंटे का टाइम था तब तक ट्रेन छूटने में, तो हमने कहा हम ही चले जाते हैं। बट क्या बताएं यार, व्हाट अ प्लेस एंड व्हाट अ पीपल, कसम से यार, मतलब यहाँ के लोग और यहाँ का प्लेस मतलब जगह, सबके बारे में तो अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं। मेरे पीछे है
रांची रेलवे स्टेशन। अभी मैं यहाँ से जाने की कगार पे हूँ, 9 बजे मेरी ट्रेन है और 8:30 का टाइम हो गया है। उससे पहले कुछ आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं शेयर किया, बट जितना भी शेयर किया ना वो रियल है एकदम। जब मैं स्टेशन पे यहाँ पे उतरा था तो मेरे को नहीं पता था कि यहाँ सिटी में मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है। दो दिन में, ज़्यादा दिन का टूर नहीं था, 2 दिन में। हाँ, ये पता था कि एक लड़की है जो मेरे को मैसेज करती थी कि मैं यहाँ पे आपको घुमा दूँगी। मिला, होटल लिया, मैंने रूम लिया, उसने बोला कि मैंने घर पे बात कर लिया है और घर पे साथ में रहेंगे, मतलब घर पे रहना आप। मैंने घर वालों को बता दिया कि आप आ रहे हो, मैंने कहा नहीं, मैंने अपने कम्फर्ट के लिए मैंने होटल ले लिया। मिले सुबह, घर गए, उसके पूरी फैमिली से मिले, एक नंबर फैमिली। मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं जो यूट्यूब से अपना मान लेते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर समझने लगते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ पर मैं 1-2 बजे तक रुका। 2 बजे से साथ में चलने के लिए वो लोग तैयार हुए कि साथ में आपको हम घुमा देते हैं, आप अकेले हो कहाँ भटकोगे। तो मैंने कहा रहने दीजिए, मैं अकेले चला जाऊँगा। बोले नहीं नहीं ठीक है। हमने सोचा कि उन लोगों को क्यों परेशानी हो भाई, हम घूमते रहते हैं तो वो लोग क्यों धूप में घूमें, ठीक है। लेकिन नहीं, स्कूटी ली और शायद 3 बहन हैं, मैंने 3 लोगों को घर पर देखा था, 3 बहन, उसमें 2 हमारे साथ चलने के लिए तैयार हुए। कल घूमे पूरा दिन, आज घूमे, साथ उठे, साथ बैठे, साथ खाए, बस सिर्फ रात में अलग हुए, हम होटल आ गए। फिर ऐसा लगा ही नहीं कि वो एक फैमिली नहीं थी या वो अपने नहीं थे। उन लोगों का यूं मुझ पर भरोसा करना, और देखो सबसे बड़ी बात होती है, आप चलो किसी पर भरोसा करते हो तो वो आपका है। लोग समझने लगते हैं कि अपने काम के लिए भरोसा कर रहा है हम पे, लेकिन जब लोग आप पे भरोसा करते हैं ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब ऐसे अनजान शहर में आप आते हो और आप लोग उस आप पे लोग भरोसा करने लगते हैं वो बड़ी चीज़ है। तो अभी जब मैंने उसको छोड़ा तो क्लिप में देखा होगा वो ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि भैया आप जा रहे हो और फिर कब आओगे या अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी फीलिंग्स थी वो कह नहीं पा रही थी। मेरे साथ भी सेम ऐसा हो गया, मैं भी खड़ा खड़ा सोच रहा था यार निकलना है अभी कुछ देर और रुक लेते हैं, यार 2-3 दिन और का टिकट होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, तो उस टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती हुई जो कि अलग अलग वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेंगे और शायद मिलते भी होंगे। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मस्ती की, और हाँ आज से मैं भी समझ रहा हूँ कि मेरी भी एक रांची में फैमिली है। मैं आऊँगा तो मुझे कभी भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, बड़े दिल वाले लोग रहते हैं, मुझे यहाँ पर एक फैमिली मिल गई पूरी, उसमें प्यारी बहनें मिल गई। जब उनके घर गए तो मुझे लगा ही नहीं कि किसी और के घर आए, उनकी मम्मी का भी है, पापा का भी है, ठीक है, पर अच्छा लगा यार। जब मैं घर पे गया तो चारों तरफ से लोग घेर के बैठ गए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ये जो पार्ट है लास्ट वाला थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब मैं कहे बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मैं बोले बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ जो यहाँ पे हुआ आज तक मेरे साथ कभी नहीं कहीं पे हुआ, लोग ऐसा कभी नहीं बर्ताव किए, लोग आए मिले, बातें की, नंबर शेयर हुआ, बस छूट गए। पर ऐसा नहीं लगता कि रांची बहुत दूर है यूपी से और मैं यहाँ पर आ ना पाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल कभी नहीं लगेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी मुझे घूमना होगा मैं आऊँगा बेफिक्र होकर, उन लोगों से मिलूँगा, बैठूँगा, और नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो उनके घर भी रुकूँगा। काफ़ी लोग थे, उनकी मम्मी वो सोचती थी आए गए रुकेंगे, खाना वाना भी बना लिया था कल का, लेकिन हम लोगों ने बाहर ही खा लिया आज भी और कल भी। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, रांची में भी पूरा घूमे कल और आज, तो रांची से बाहर भी घूमने गए थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, इस वीडियो को लाइक कर देना, और भी जितने सारे वीडियो हैं उनमें मेरी मेहनत तो है ही और उन 2 बहनों की भी मेहनत है। तो आप लोग सोचना वो दोनों बहनों ने टाइम अपना स्पेंड करके मुझे घुमाया है, मैंने वीडियो बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, तो आप लोग भी पूरा सपोर्ट करिएगा। और इन फ्यूचर फिर मैं रांची आने का मौका मिलेगा तो फिर एक बार पूरी फैमिली को आप लोगों से मिलाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मेरे में स्पेस ज़्यादा फ़ोन में नहीं बचा हुआ, तो आप लोग इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। ज़्यादा कुछ नहीं था वीडियो में, बस जैसे तैसे करके हम शूट किया था, पल शूट किए थे हम लोगों ने, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया था, यहाँ पे यूजर नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहिए। और उन सभी फैमिली वालों को मेरा सल्यूट है यार, मेरा बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद है। मैंने हर वीडियो में उनका धन्यवाद किया क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे साथ कभी, मुझे हमेशा अकेले कहीं ना कहीं घूमना पड़ता है। इतनी दूर आकर कोई अपना समझ लेता, कोई अपना बना लेता तो बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। इस वीडियो को यही पेंट करना चाहेंगे वरना मैं भी भावुक हो जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।